Hello friends, this is G Interio, I am Arijit Pal. आज हम लोग डिजाइन एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। जो एलिमेंट्स है ये क्या है? हम लोग जब कोई रूम का डिजाइन करते हैं या फिर कोई बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं तो वो डिजाइन करने के लिए हम लोगों के पास कुछ एलिमेंट्स चाहिए, जैसे डॉट हो गया, लाइन हो गया, उसका शेप कैसा है, उसको कैसा फॉर्म में हम लोग डालने वाले हैं, कैसा उसका कलर देंगे, क्या उसका लाइट होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको बहुत ध्यान से सीखना चाहिए और जानना भी चाहिए हर एक चीज को। इसे डिजाइन करने में बहुत सुविधा होता है और ये हर एक चीज को अलग अलग से आप अगर एक फ्रेम में अगर उसको अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा डिजाइन का क्रिएशन होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो हो गया एलिमेंट्स ऑफ इंटीरियर डिजाइन। तो एलिमेंट्स ऑफ इंटीरियर डिजाइन का फर्स्ट पॉइंट जो है, एक नंबर पॉइंट, डॉट्स। ये डॉट्स क्या है? डॉट्स ये है कि मान के चलिए कोई एक आपके पास पेपर है, वो पेपर का कहीं पे एक पेन से आप एक डॉट, वो हो गया डॉट। अभी ये डॉट जो है इसको आप मोटा बनाइए, पतला बनाइए, एक से दो तीन चार डॉट बनाइए, तो ऑटोमेटिकली देखिएगा एक पैटर्न आ गया। सो ये डॉट से आप कोई एक ड्राइंग का स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो डॉट इज वेरी वैल्यूएबल। तो इस तरह से देखिए कि एक डॉट से हम लोग कैसा एक पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। अभी पॉइंट नंबर टू, लाइन। लाइन जो है हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं, एक सीधा ऐसा लाइन। ये लाइन भी देखिए कितना किस्म का लाइन होता है। कभी हम लोग बोलते हैं कि ये वर्टिकल लाइन है, कभी हॉरिजॉन्टल लाइन है, कभी कर्व लाइन है, कभी वेवी लाइन है, कभी जिगजैग लाइन है। तो सो मेनी लाइन्स आर देयर, बट ये सारा जो लाइन्स है, एक दो तीन कुछ लाइन ऐसा लेके हम लोग बहुत अच्छा अच्छा पैटर्न बना सकते हैं। जो डिजाइन का जो एक मान के चलिए रूम हो, ऑफिस हो, कोई भी कोई बिल्डिंग हो, जिसका भी ड्राइंग हम लोग बनाने वाले हैं, ये जो सिंगल लाइन है, ये लाइन से शुरू होते 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 डिफरेंट डिफरेंट जो लाइन्स है वो हम लोग लेके एक बहुत अच्छा पैटर्न, एक बहुत अच्छा ड्राइंग हम लोग क्रिएशन कर सकते हैं। अब ये जो प्रैक्टिकल चीज, जब पूरा ड्राइंग रेडी हो जाता है, पूरा साइट पे जब एग्जीक्यूट भी हो जाता है, तो अगेन ये हम लोग वहां पे रिफ्लेक्ट भी करता है। देखिए यहाँ पे वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए अलग अलग से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तीन नंबर पॉइंट है शेप। शेप होता है एक कोई एक बिल्डिंग हो, कोई एक रूम हो, कोई भी चीज का अलग अलग शेप में हम लोग डिजाइन करते हैं। जैसे कोई एक बिल्डिंग रेक्टेंगल शेप में है, कोई बिल्डिंग स्क्वायर शेप में है, कोई एक रूम के अंदर में जब हम डिजाइन करने वाले हैं तो देखिए रूम में कोई हम लोग स्क्वायर शेप में कुछ कर लिए, कुछ राउंड शेप में डिजाइन कर लिए, कुछ रेक्टेंगल शेप में कर लिए, कुछ ओवल शेप में कर लिए, लॉट ऑफ शेप्स आर देयर। देखिए ये पिक्चर में
पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना वैरायटीज ऑफ शेप आते हैं। तो ये एक एक शेप हम लोग लेके यूज कर सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो शेप है ये सारा 2D इफेक्ट में होता है, ठीक है, 2D इफेक्ट में होता है। चार नंबर जो पॉइंट है ये होता है फॉर्म। कोई एक शेप का जब एक 3D व्यू होता है तब उसका एक फॉर्म होता है। कोई एक राउंड एक सर्कल है जो एक शेप है, उसको जब 3D इफेक्ट देते हैं वो एक देखिए राउंड बॉल शेप में हो गया। तो ये हो गया एक फॉर्म। तो ये शेप हो गया 2D में, और इसको जब हम लोग 3D बना दिया, देखिए ये एक फॉर्म हो गया, राइट। अभी पांच नंबर पॉइंट जो है वो है कलर। कलर तो हम लोग जानते ही हैं, आप भी जानते हैं कि सुंदर सुंदर कितना सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया कलर होता है। लेकिन ये जो कलर है, कलर का अलग अलग पार्ट है। जैसे हम लोग बचपन से सीखते आए हैं कि प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर, राइट। तो ये जो प्राइमरी कलर है, कोई एक रूम में मान के चलिए कलर का कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं, तो एक कोई एक प्राइमरी कलर ले लिए, उसी कलर का वैरायटी वो देके हम लोग बना लिए। तो कलर का भी बहुत सारा वैरायटीज है, मोनोक्रोमिक कलर, हाँ, कॉन्टेम्पररी कलर, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा ये है। ये अगला वीडियो में हम लोग ये कलर के ऊपर बहुत चर्चा करने वाले हैं आगे के दिन में, ठीक है। तो ये हो गया कलर। अभी छह नंबर पॉइंट में है लाइट। लाइट का क्या है, आपका एक कलर का डीप और लाइट का जो ह्यूज है, वैल्यूज है, उसका एक है, और एक है जो इलेक्ट्रिकल का जो लाइटिंग होता है वो भी एक एलिमेंट होता है, ठीक है। ये जो लाइटिंग है, ये लाइटिंग को हम लोग तीन भाग में इसको डिवाइड करते हैं। एक नंबर हो गया टास्क लाइट। ये टास्क लाइट क्या है, अब देखिए टास्क लाइट वो है जहां पे हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और वहां पे कुछ स्पॉट लाइट बोलिए, कुछ फोकस लाइट का जरूरत पड़ता है। सो ऑन द टेबल हम लोग जब स्टडी करते हैं तो वो वहां पे कुछ पर्टिकुलर एक टास्क लाइट का जरूरत पड़ता है, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं टास्क लाइट। मान के चलिए कुछ वार्डरोब खोले, तो पल्ला खोलते ही अंदर में कुछ लाइट ऑन हुआ, दैट इज ऑल्सो अ टास्क लाइट। इसके बाद आया लाइट का और एक भाग, वो है एम्बिएंट लाइट। ये एम्बिएंट लाइट जो है वो बहुत नॉर्मल लाइट होता है। देखिए यहाँ पे जितना सारा लाइट दिखाई दे रहा है हॉल में, रूम में, सब बहुत देखिए नॉर्मल लाइट है। ये कोई स्पेसिफिक लाइट नहीं है, ट्यूब भी हो सकता है, हाँ, LED स्पॉट भी हो सकता है, हाँ। ये सब हो गया एम्बिएंट लाइट, मतलब कि बहुत नॉर्मल जो कैजुअल लाइट है, वर्किंग लाइट, एम्बिएंट लाइट। इसके बाद है एसेंट लाइट। एसेंट लाइट होता है, हो गया डेकोरेटिव लाइट, राइट। जैसे फॉल सीलिंग का जो ट्रे के अंदर में जो लाइट हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं। फिर मान के चलिए कुछ सैंडलियर हो गया, जिसको हम झाड़ लाइट बोलते हैं, ठीक है। वॉल माउंटेड कुछ लाइट हो गया, पिक्चर लाइट हो गया, ठीक है। तो दीज आर ऑल आर एसेंट लाइट। तो ये लाइट का जो पार्ट है ये समझ गया। नेक्स्ट चलते हैं सात नंबर पॉइंट, टेक्सचर। टेक्सचर इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग। देर आर सो मेनी टेक्सचर्स, इसमें से
हम लोग कोई एक या दो टेक्सचर को लेके हम लोग किसी का ड्राइंग हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। कोई एक रूम मान के चलिए, कोई एक रूम है बेड के पीछे में, कुछ हम लोग एक बढ़िया एक टेक्सचर फॉलो किए, बाकी में कलर और लाइन अच्छा फॉर्म उसको दे दिया, शेप में उसको हम लोग रेडी कर लिए। तो टेक्सचर वैरायटीज टेक्सचर्स आर देयर, उसको लेके हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट आया वो है स्पेस। स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक होता है ना कि एक रूम में कहां पे आपको किस जगह में बेड का पोजीशन करना है, साइड टेबल का पोजीशन करना है, और कितना स्पेस छोड़ने के बाद में फिर आप वार्डरोब का पोजीशन निकालेंगे या इस टाइप का कुछ, ये एक स्पेस कैलकुलेशन हुआ। और एक चीज क्या है कि इसमें एक नेगेटिव स्पेस होता है और एक होता है बैलेंसिंग स्पेस। बैलेंसिंग स्पेस किसको बोलेंगे कि जहां पे जितना स्पेस का जरूरत है हम वहां पे उतना ही छोड़ के बाकी स्पेस को हम यूटिलाइज किया, राइट। मान के चलिए कोई एक वॉल को ही हम लोग पकड़ लिया कि उसमें हम लोग पूरा वार्डरोब दे दिए, बेड का सिस्टम कर दिए, साइड टेबल्स वगैरह दे के कोई एक वॉल को हाईलाइट कर दिया, उसी में सारा चीज अपना आ गया, बाकी जो 3 वॉल है उसको हम लोग छोड़ दिया, ठीक है, ये एक बैलेंसिंग हो गया, ठीक है। और क्या हुआ जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो स्पेस है जो हम छोड़ के रखते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे एक बड़ा क्यूबिकल है, इसके बाद में देखिए 2 क्यूबिकल्स छोटा छोटा है। अब इसको देखिए, जब इसको बराबर लेवल में बैलेंस करके रखें तो इसको बैलेंसिंग स्पेस बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा जो दूर हटा दिए, देखिए इसमें आपका हो गया नेगेटिव स्पेस, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव स्पेस। तो ये सारा चीज हो गया एलिमेंट्स ऑफ इंटीरियर डिजाइन। आशा करते हैं आपको बहुत समझ में आ गया ये चीज। अगर कोई भी इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो हम लोग इसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी लास्ट में देखिए ये एक पिक्चर हम दिखा रहे हैं जिसमें देखिए सारा एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन जो पार्ट है सारा चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे सारा चीज रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज एलिमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को ताकि आपका नेक्स्ट जितना हम लोग वीडियो डालते जाएंगे आपको फर्स्ट आपके पास पहुंच जाएगा। देखते रहिए, जुड़े रहिए, तब तक के लिए अलविदा।